रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है। जवां जवां हसी हसी ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। लखनऊ का मौसम कुछ ज्यादा ही सुहाना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं काले बादल पूरे छाए हुए हैं। तो चलिए क्यों ना कुछ नाश्ते के लिए बनाया जाए, शाम के 5 बज रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शालू अवस्थी और अभी मैं लखनऊ आई हूँ कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ आने के बाद मैं कई सारी डिशेस ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खांडवी, जो कि गुजराती डिश है और बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है, और मुंबई में ये काफी इसे लोग पसंद करते हैं। जगह जगह स्ट्रीट फूड के तौर पे भी आपको मिल जाएगा और काफी शॉप्स वाले भी इसको रखते हैं जो लोग ब्रेकफास्ट के तौर पर इसको खाना पसंद करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें चाहिए बेसन जो कि मैंने निकाल रखा है, और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें, और चाहिए हमें दही, और इसके लिए थोड़ी हींग ले रखी है, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और इसके साथ ही ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा नारियल कद्दूकस कर रखा है, और ये पानी इसको चलाने के लिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कोई भी जो हम डिश बनाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा हमें जो है उसमें जरूरत होती है करी पत्ता। जब भी हम कोई बेसन की डिश बनाए, ढोकला बनाए या फिर ये जैसे खांडवी बना रहे हैं, तो करी पत्ता हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए, करी पत्ता के लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमारे घर पे ही लगा है, तो चलिए उसको हम लेकर आते हैं। डंडी हमने ले रखी है, इतनी काफी होगी। तो अब सबसे पहले हमें बेसन में दही को डालना है, इसे हमें चलाते रहना। हमें ये ध्यान देना है कि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि अगर लम्स बन जाएंगे का वो जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, और इसको जब आप लास्ट में रोल करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अब एक भी लम्स नहीं है। तो हम इसमें जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार कर रखा है वो डालेंगे। इसके बाद इसमें मैंने हींग, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल रखा है, वो मैं एक साथ मिलाऊंगी। इसको फिर से एक बार चलाएंगे। फ्रेंड्स, ये बैटर रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस बैटर को छान लिया है और अभी एक ये थिन बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल के इसको कुछ देर तक ऐसे ही इसको चलाऊंगी, और उसके बाद फिर हम इसको प्लेट में लगा के इसको रोल करने का काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं जैसे मैंने इसको डाला है इसमें लम्स करना स्टार्ट हो गई है। तो हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इसमें ये जो गार्ड बनकर आ रही है ना पड़े, अदरवाइज हमें लास्ट में प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए हमें इसे धीमे आंच में बस चलाते रहना है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा रेडी हो चुका है बैटर, अब हम इसे प्लेट में लगाएंगे। जब तक ये गर्म रहेगा ये तभी तक लग सकता है, अगर ये ठंडा हो गया तो आपका पूरा ये बैटर खराब हो जाएगा और ये आसानी से इस प्लेट में स्प्रेड नहीं होगा। प्लेट में लगाने से पहले एक बार हम इसमें तेल लगा के इसको थोड़ा सा ग्रीस कर सकते हैं ताकि लास्ट में आपका ये चिपके ना। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे हमने एक प्लेट में स्प्रेड कर दिया है। बहुत लोग शेल्फ पे भी करते हैं लेकिन हमने प्लेट में ही प्रेफर किया, और आप देख सकते हैं जब हम इसे स्प्रेड करेंगे ठंडा होने के बाद ये आसानी से रोल हो जाएगा। इसमें मैंने धनिया और नारियल का गार्निशिंग भी किया है, आप चाहें तो इसमें और भी कोई चीज की गार्निशिंग कर सकते हैं। तो आप इसके तड़के की तैयारी करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको पता लग जाए और आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं।